शाहजी ये बताइएगा, दूसरा अशरा जी जी क्या कहेंगे, रमजान का महीना जब आता है और यूं आता है और यूं चला जाता है, हमें महसूस भी नहीं होता। जी जी जी, हम उस बरकते समेटने में लगे होते हैं कितने में रमजान जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। तो क्या कहेंगे रमजान का महीना जो है वो किस तरह से गुजारते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक पाक बरकतों का महीना है, मुकद्दस माह है। ये तो चंद दिन की बरकतें साथे होती हैं, जो इनको समेट ले, जो इस माह से मोहब्बत करे, और मोहब्बत करना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हजूर जैसे जैसे गुजरता था तो हजूर नबी पाक सल्लम ज़ारो कतार रोआ करते थे, रोते थे आप कि ये गुजरे ना माह, ये इसका हमें अभी मौका मिले, इस माह की बरकतें समेटने का मौका है। साबिर साहब, हम खुशकिस्मत है कि हमें अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया अपने गुनाह को बख्शवा। बिल्कुल, एक और मौका दे रहा हूं तुम्हें, जाओ बख्शवा लो अपने गुनाह। हाँ, कोई शक नहीं, यकीन, बड़ी खूबसूरत बात। रहीम है ना, हाँ, रहम करता है, बाल करता है, हर वक्त रहम करता है। आज इस रमजान में कई हमारे साथी, कई हमारे रैली, हमारे हल्का अहबाब में ऐसी शख्सियात हैं जो आज हमारे साथ नहीं है, पिछले रमजान में थी। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने हमें ये बड़ा अच्छा मौका दिया कि हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह रेज होके अपने गुनाह बख्शवा लें। अपने सेगमेंट का शुरुआत करते हैं। तैयबा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? ठीक है।